गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपके जो ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, आपको पता नहीं है महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। समुद्र देखे हैं आप लोग, है बगल में नदी है, ये नदी जाकर गंगा सागर में मिलती है। समुद्र, समुद्र में जितना पानी भरा है मेरे रघुनाथ जी के पास, उतना आनंद भरा है। आप कल्पना लगाते रहिए। कई लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया है, झूठ कह रहे हैं आप। जो सामग्री जिसके पास है ही नहीं वो देगा कहां से आपको, भगवान के पास तो केवल आनंद है। जीवन में यदि क्षण मात्र का भी सुख प्राप्त हो रहा है आनंद, तो भगवत कृपा है। और यदि कष्ट मिल रहा है तो वो हमारे अपने कर्म का परिणाम मिल रहा है, भगवान नहीं दे रहे। अच्छा आदमी कभी किसी का बुरा नहीं करता, भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं सीकर तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करते हैं। अब आप देखिए, हम और आप जी रहे हैं, पीछे जो 2 साल बीता है कोरोना में, हवा के मूल्य का पता चल गया है उसमें, है पता चला है ना। सिलेंडर के लोग कैसे भागते थे, और वो सिलेंडर भगवान ने हमको आपको फ्री में दे दिया है, तो हमको उसके मोल का पता नहीं चलता। पूरे त्रैलोक्य की जो व्यवस्था है वो परमात्मा ने की है, सबके लिए सुबास बनाया, सबको सुपास बनाया है महाराज। जो सब में रमण करते हैं उनका नाम राम होगा। और आप दर्शन करिए, जो मनुष्य जीवन भर राम जी का नाम नहीं लेता है, भगवान दिख बड़ा जानते कौन है, जो समझ जाए। 2 लोग यदि अड़े हुए कि हम समझदार, हम समझदार, हम समझदार, हम समझदार, जब दोनों अपने आप को समझदार करने में लग जाते हैं ना, तो वो संबंध समाप्त होने से कोई बचा नहीं सकता है। संबंध समाप्त ही तब होता है जब दोनों अपने को समझदार मानने लगते हैं। और वास्तव में समझदार समझिएगा कौन है, जो सामने वाले से ये स्वीकार करके कह लेता है चल तू समझदार है, मैं ना समझ हूं। जब कोई ये मान लेता है तो वो संबंध जीवन भर बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। समझदार कौन, जो समस्या दिखाई पड़े तो अपने को अना समझ मान ले। समझदार वही है जो संबंध को लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। भगवान सब में रमण करते हैं, जो जीव जीवन भर राम जी का नाम नहीं लेता, भगवान कहते हैं वो बच्चा है, भूल सकता है। मैं पिता होके भूल जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। जो कभी राम नहीं कहता वो भी जब अंतिम यात्रा में चलता है तो राम जी उसके साथ रहते हैं, और लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम जी नहीं छोड़ते। अखिल लोकदायक विश्रामा, महाराज आपके ये ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जो पूरे संसार को विश्राम दे दे। और विश्राम क्या है, हम आपको सुनाए थे पहले दिन की कथा में, इसी प्रसंग से कथा प्रारंभ हुई थी। विश्राम क्या है, मन का हलचल समाप्त हो जाए। विश्राम क्या है, मन में जो द्वेलन है वो शांत हो जाए। विश्राम क्या है, एक के प्रति हम निष्ठावान हो जाएं, ये विश्राम है। और यही जीवन के परम शांति का मूल कारक है। ये विश्राम कौन देगा, तो राम जी को छोड़कर कोई विश्राम दे नहीं सकता। एक महात्मा कह रहे थे महाराज विश्राम का मतलब है विश्राम, विश कहिए विश्राम, विश समझते हैं, विश विश यानी। अब विश्राम का मतलब समझिएगा, घर में जिसके साथ जी रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी लोगों की अपने अपने सोचने की सीमा निश्चित है। कोई संकुचित होकर सोचता है,
कोई व्यापकता से पूर्ण होकर सोचता है, कोई सोचता ही नहीं है, कोई सोचता ही रहता है। अपने हाथ के सारी उंगलियां बराबर नहीं है, है क्या बराबर है? और आप देखिए भगवान की रचना, ये अंगुलियां बराबर नहीं है तभी आप कोई सामान उठा भी पा रहे हैं। यदि ये पांचों उंगलियां बराबर हो जाएं तो आप इन हाथों से कुछ कर नहीं पाएंगे। परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई तेज है, कोई मंद है, तभी परिवार भी चल रहा है। जब परिवार में सब तेज हो जाएंगे वो परिवार समाप्त तो हो जाएगा। विश्राम क्या है? परिवार में यदि कोई हमको विष रूपी कठोर शब्द बोल भी रहा है, यदि कोई कड़वी बात हमारे प्रति बोल रहा है, जहर बोल रहा है, तो विश्राम कौन प्राप्त किया है? माई बाप, जो अपनों का जहर पीकर और अपनों के मंगल के लिए राम राम बोल रहा है, वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। और ये इस सहज व्यवहार नहीं है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कथाओं में, किसी दूसरे के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। ये पहला संदेश है भक्ति का। हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा सोचा, यदि हम भी बुरा सोचने लगे तो फिर हमारे में उसमें अंतर कहां रह गया हो? जब हिसाब होगा ना तो हिसाब समूह में नहीं होता है, हिसाब व्यक्तिगत होता है। पूज्य महाराज श्री ने मुझसे बहुत पहले कहा था, राजन परिवार में घर में कभी ऐसा कोई व्यवहार मत कर देना कि जब तुमसे हिसाब होने लगे तो चेहरे को तुम ऊपर न उठा सको। विवेकी मनुष्य को इस बात का सर्वकाल चिंतन करते रहना चाहिए, यही विश्राम है। गुरुदेव भगवान कहते हैं आपके ज्येष्ठ पुत्र इनका जो जीवन देखेगा, इनके चरित्र का जो स्मरण करेगा और इनके जीवन को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहेगा, धीरे धीरे रघुनाथ जी कृपा करके और उस जीव को परम विश्राम की प्राप्ति करा देंगे। जो जगत को विश्राम दे उसका नाम आज के बाद राम है, इनका नाम राम होगा महाराज। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद किसका नंबर है? भरत भैया का। आपको बता में राम जी भरत जी दोनों देखने में एक जैसे। राम प्रेम मूरत जनु आही, कौन भरत जी? पांव से लेकर सिर तक एक स्वरूप, एक नक्शा, एक ही भाव। एक बार कौशल्या मैया ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी राम को भरत को दोनों को जब पालने में सुला देती हूं ना, मैं समझ नहीं पाती हूं कि कौन राम है और कौन भरत है। गुरु जी ने कहा, सीधा उपाय है महारानी जी, आप अपने बच्चों की आंखों को देखिएगा। आपके जिस बेटे की आंखें सामने वाले के चेहरे पर टिकी हो, समझिएगा वो आपका राम है। और जिस बेटे की आंखें सामने वाले के श्री चरणों पर टिका हो, समझिएगा आपका भरत है। ये स्वभाव बचपन से है। और ये भरत जी अपनी मां कैकेयी की गोद में नहीं बैठे हैं, भरत जी मां कौशल्या जी के गोद में बैठे हैं। कौशल्या जी के पुत्र राम जी हैं, लेकिन मां कौशल्या राम जी से अधिक प्रेम भरत जी को करती है। मोरे सोच भरत कर भारी। मां की गोद में भरत लाल जी बैठे हैं। गुरुदेव ने देखा, कहा, रा महाराज आपके दूसरे कुमार विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत अस हो। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे।
जो सबका भरण पोषण करे उनका नाम भरत है। भरण पोषण समझते हैं? हाँ, भरण पोषण यानी कहिए, हाँ, पालन पोषण, और कोई कहे, हाँ, क्या कोई बोला अभी? भरण पोषण का सामान्य अर्थ है भोजन कराना। पेट जो भरता रहे उसका वो भरण पोषण करने वाला कहलाता है। यहां गुरु जी ने कहा भरत जी पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, अर्थात भरत जी भोजन नहीं कराएंगे। अब यहां पर एक दूसरा अर्थ समझिएगा, राम जी को ब्रह्म बताया गया, राम ब्रह्म, कई लोग भगवान श्री राम को भगवान श्री विष्णु जी का अवतार मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार कहते हैं बाबू राम जी विष्णु जी के अवतार नहीं है, राम जी ब्रह्म के अवतार है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जिस ब्रह्म के इशारे को पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाचते हैं वो परब्रह्म है राम जी। राम जी ब्रह्म, राम जी बने, शेष नारायण लक्ष्मण जी बने, भगवान श्री विष्णु भरत जी बने। विष्णु भगवान पूरे संसार का पोषण करते हैं। एक दूसरा अर्थ सुना रहा हूं, ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, विष्णु जी भरत जी के रूप में आए और भगवान का चक्र शत्रुघ्न भैया के रूप में उतार लिए हैं, ये भगवान के पार्षद बन के आए। तो एक सामान्य अर्थ है विष्णु जी संसार का भरण पोषण करते हैं, भरत जी के रूप में आए इसलिए कहा विश्व का भरण पोषण करते हैं, एक सामान्य अर्थ है। इसका विशेष अर्थ समझिए, भरत जी एक बर्तन है, पात्र, ये पात्र है ना, ये बर्तन है ना, इसमें क्या भरा है? हाँ, आपको कैसे मालूम? आप तो देखे नहीं है, हो सकता है ग्लूकोन-डी हो सकता है दूध हो, लेकिन है पानी ही, हाँ, पानी ही है और कुछ नहीं है। अब इसको यदि कटोरी में डाला जाए तो कटोरी में क्या जाएगा, कहिए कहिए, पानी जो इसके अंदर भरा है, ये किसी और को भरेगा तो वही भरेगा जो इससे ये भरा है। आप समझ रहे मेरी बात को? कोई भी पात्र किसी दूसरे पात्र को यदि भरने जाएगा तो वो वही भरेगा जो उसमें भरा हुआ है। भरत जी रूपी पात्र में क्या भरा है ये पता है? अयोध्या कांड जी का अंतिम छंद की पहली पंक्ति पढ़िए, सिय राम प्रेमा पीयूष पूरन हो त जानामा न भरत को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सियाराम प्रेम पीयूष पूरण। भरत जी एक पात्र हैं और इस पात्र में क्या भरा है तो सियाराम प्रेम, पीयूष यानी अमृत, श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत इस भरत जी रूपी पात्र में लबालब भरा हुआ है। अब भरत जी किसी को भरेंगे तो किससे भरेंगे? भगवान के प्रेम से भरत जी भरते रहते हैं। अब विशेष अर्थ पे प्रभु पहुंचिए, शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है लेकिन आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है। बिना भगवत प्रेम के आत्मा का पोषण होने वाला नहीं है। यदि शरीर का पोषण नहीं हुआ तो आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्म तत्व इससे ऊपर है, लेकिन यदि आत्मा का पोषण नहीं हुआ माई बाप तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। है
आप देखिएगा, कभी कभी अपनी रोटी अपने से अधिक भूखे को खिलाकर जो आत्मा को सुख प्राप्त होता है वो स्वयं खाने से प्राप्त नहीं होता है। मां अपने भूखे रह जाती है, अपनी संतान को खिला देती है। मां यदि खा लेती तो मां को सुख नहीं मिलता, लेकिन संतान जब खा लेता है ना तो मां को सुख मिल जाता है। उसी प्रकार शिष्य जब सुखी हो जाता है तो जो वास्तव सद्गुरु है वो अपने आप सुखी हो जाता है। इसी बंगाल में श्री दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। आप लोग जाते होंगे, बाली से जैसे उस पार करेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। वहां के पुजारी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमहंस पूज्य श्री राम कृष्ण परमहंस जी, आप लोग जानते हैं ना, जानते हैं ना, विवेकानंद जी के गुरु जी। जीवन के अंतिम समय में परमहंस जी को कैंसर हो गया गले में। ऐसे महापुरुष भोग की थाली हाथ में लेकर जब काली मां के सामने जाते थे तो जो मूर्ति आप देखते हैं वही काली मैया है। मूर्ति नहीं बदला, स्वरूप मैया का वही काली मैया है। लेकिन जब राम कृष्ण जी जाते थे मंदिर में भोग की थाली लेकर तो फिर मूर्ति नहीं रहती थी, मूर्ति में से साक्षात काली मैया प्रकट हो जाती थी और राम कृष्ण जी निवाला तोड़ तोड़ के अपने हाथ से काली मैया को भोजन कराया करते थे। अब आप कल्पना करिए, जिस महापुरुष के हाथ से मां भोजन करती है उस महापुरुष को कैंसर होना चाहिए, गले में कैंसर हो गया। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, पानी का एक कतरा भी गले से नीचे नहीं उतर पाता था, पानी पीने में कष्ट होता था, भोजन तो छोड़िए। विवेकानंद जी को देखा नहीं गया, विवेकानंद जी पांव पकड़ के रोने लगे एक दिन, कहे गुरुदेव आप तो परमहंस हैं, सर्वसमर्थवान हैं, मां से आप बात भी करते हैं, गुरुदेव आप मां से कहिए ना कि आपके इस कैंसर को ठीक कर दे मां, उनके लिए तो पल भर का विषय भी नहीं है, मां प्रभु मां चाहेंगी और ठीक हो जाएगा। परमहंस जी बोल नहीं पाते थे, धीरे धीरे बोले, नरेंद्र इतनी छोटी सी बात के लिए मैं मां को परेशान करने जाऊं, और तुम कहते हो राम कृष्ण को कैंसर हुआ है। राम कृष्ण अजर अमर है, राम कृष्ण को कुछ भी नहीं हो सकता है, कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं, कुछ दिनों के लिए मैंने केवल धारण किया है, मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं मां से बोलने जाऊंगा। तो विवेकानंद जी रोने लगे, कहे गुरुदेव मुझसे आपका कष्ट देखा नहीं जाता, आपके मुख में जल का एक बूंद भी नहीं जा रहा है। तब परमहंस जी मुस्कुराए, कहे नरेंद्र तुम मेरे शिष्य हो। एक अवस्था आती है जब शिष्य ही अपने सद्गुरु का मुख बन जाता है और शिष्य जो कुछ भी पाता है वो सीधा उसके सद्गुरु को प्राप्त होता है। तो अब मैं अपने मुख से भोजन नहीं लेता हूं, अब मैं तुम लोगों के मुख से भोजन लिया करता हूं, इसलिए मेरी चिंता ना करो। ये अवस्था है। जीवन में यदि भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो शरीर तो पोषित हो जाएगा लेकिन हमारा मन और आत्म तत्व पोषित नहीं हो पाएगा। भरत जी मनुष्य के जीव के शरीर का पोषण नहीं करते हैं, भरत जी जीव की आत्मा का पोषण करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा जो सबका भरण पोषण करे उनका नाम भरत होगा। और जैसे गुरु जी ने नामकरण किया पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब क्रम में लक्ष्मण भैया के स्थान पर मां कैकेयी के गोद में शत्रुघ्न भैया थे, सबसे छोटे भैया। गुरु जी ने कहा महाराज आपके छोटे कुमार, आपको पता नहीं है ये कौन है, मैं बताता हूं इनका स्वभाव।
जाके सुमिरन ते रिपु नासा। महाराज आपकी ये वो संतान है जिसके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाए। जाके सुमिरन ते रिपु नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। शत्रुहन भैया का नाम लेने से शत्रु मर जाएंगे, ये संभव है क्या? संभव है। कैसे संभव है महाराज? देखिए कभी श्री रामचरितमानस जी पढ़िएगा, राम जी, भरत जी, भरत जी के बाद कहिए लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी के बाद शत्रुघ्न जी। राम जी के दास हैं भरत जी, और भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न जी। राम जी अपने मुख से कहते हैं सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी कहते हैं सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं लेकिन मैं अपने दास को सबसे अधिक प्रेम करता हूं। एक दिन मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से पूछा, सरकार ये सेवक और दास का अंतर क्या है? बोले बाबू सेवक वो है जो स्वामी की सेवा करने के बाद भी अपना अस्तित्व बना के रखता है। अब समझिए बड़ी सूक्ष्म विषय है ये। अब जैसे गुरु जी के साथ स्वामी के साथ सेवक कहीं गया किसी के घर, घर वाले ने कहा कि ऊपर का कोने वाला कमरा गुरु जी का है, उसमें गुरु जी का सामान रखिए। वो गुरु जी का सामान रख देगा, फिर आकर उनसे पूछेगा हमारा कमरा कौन है, हम अपना सामान कहाँ रखे। ये सेवक है जो गुरु की सेवा के साथ साथ अपना भी एक स्थान बना के रखा हुआ है, वो सेवक है। अब दास कौन है? दास का अपना कुछ होता ही नहीं है, दास पूर्ण भावेन सदगुरु में ही विलीन रहता है। दास भाव का जीव कभी पूछेगा ही नहीं कि मेरा सामान कहाँ रहेगा। अरे दास को तो अपने सामान की भी चिंता नहीं रहती है, वो अपने स्वामी की ही चिंता में लगा रहता है। जो अपने बारे में ना सोचकर अपने स्वामी के बारे में निरंतर सोचता रहता है वो दास कहलाता है। राम जी के दास हैं भरत जी, और शत्रुघ्न जी राम जी के दास नहीं है, राम जी के दास हैं, दासानुदास हैं। और याद रखिएगा जो अपने बारे में नहीं सोचता है उसको कामनाएं नहीं होती, इसकी इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं होगी तो काम, इच्छा नहीं होगी तो क्रोध लोभ और मद नहीं होगी। इच्छा यदि पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ बुझाता लाभ, लाभ समझते हैं? लाभ यदि सीमा से अधिक होने लगे तो ओ की मात्रा लगने में देरी नहीं लगता है। बतिया बुझाता, लाभ यदि सीमा से अधिक हो जाए तो लाभ में ओ की मात्रा लगने में देरी नहीं लगता, वो लाभ कब लोभ में बदल जाए आप सोच नहीं सकते। इसलिए लाभ भी सीमा में हो, लेकिन जब कामना ही नहीं होगी तो लाभ का कौन सोचेगा? कामना नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, कामना नहीं होगी तो मद नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। और जो अपने स्वामी में लीन है उसको संसार की चिंता ही नहीं होती, कौन बड़ा कौन छोटा उसको मत्सर नहीं होता। ये सब शत्रु हैं। एक व्याधि बस नर मरे ए असाध बहु व्याध। ये जितने विकार है काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, एक एक विकार मनुष्य को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। हमारे सबसे बड़े शत्रु यही हैं। और गुरु जी ने कहा जो आपके छोटे बच्चे का जीवन देखेगा, इनका नाम लेता रहेगा, उसके जीवन में भी धीरे धीरे इनका गुण चलता जाएगा और उनके भी शत्रु ये समाप्त होते रहेंगे। इसलिए जो शत्रुओं का हनन कर दे उनका नाम शत्रुहन होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुहन लाल सरकार की जय। अब किसका नंबर है?
अब सबसे अंत में सुमित्रा मैया के गोद में लक्ष्मण जी, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राधा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, गुरुदेव ने कहा महाराज समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, शेष अवतार हैं, आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय।